दोस्तों, अगर भारत में होटल इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मोहन सिंह ओबरॉय की कहानी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। ब्रिटिश काल में भारत में 1898 में जन्मे मोहन सिंह ओबरॉय अब तक इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत और उनका होटल साम्राज्य आज भी भारत के साथ श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जैसे देशों में फैला हुआ है। मोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में बाहुन कस्बे में हुआ था। अब ये क्षेत्र पाकिस्तान में आता है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रावलपिंडी के दयानंद एग्रो कॉलेज से की थी, जिसे DAV भी कहते हैं। उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया था, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। मोहन सिंह ने अपनी मेहनत के दम पर हजारों करोड़ों की संपत्ति बनाई, लेकिन उनका बचपन गरीबी में बीता था। उनकी परवरिश भी अभावों में हुई थी। झेलम जिले के भावना में एक सामान्य से परिवार में जन्मे मोहन सिंह जब केवल 6 माह के थे, तभी उनके सर पर से उनके पिता का साया उठ गया था। ऐसी हालत में घर चलाने और बच्चे पालने की सारी जिम्मेदारी उनकी माँ के कंधों पर आ गई। उन दिनों एक महिला के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना बिल्कुल आसान नहीं था। गाँव में किसी तरह की स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन सिंह रावलपिंडी चले आए। यहाँ उन्होंने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नौकरी की तलाश में निकले, लेकिन काफ़ी भटकने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। नौकरी की तलाश में भटकते रहे मोहन सिंह को उनके एक मित्र ने टाइपिंग और स्टेनोग्राफी सीखने की सलाह दी। उन्होंने अमृतसर में एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीखना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी ही उन्हें यह एहसास हो गया कि उससे उन्हें नौकरी नहीं मिलने वाली है। इन दिनों वे केवल यही सोचते थे कि कैसे भी उन्हें नौकरी मिल जाए, जिससे वो अपनी माँ के कंधों का बोझ कम कर सके। लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से वह असहाय महसूस करने लगे। अमृतसर जैसे शहर में रह पाना और काफ़ी कम खर्चा करना आसान नहीं था। जब उनके पास पैसे खत्म हो आए तो वो 1920 में अपने गाँव वापस चले गए। गाँव वापस आने पर उनकी शादी कोलकाता के परिवार से हो गई। इस दौरान उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी और उनकी पत्नी सिर्फ 15 साल की थी। इसरा देवी, जो कि उनकी पत्नी थी, उनका परिवार भी मूल रूप से भावना कस्बे का ही रहने वाला था। वे लोग बाद में कोलकाता जाकर बस गए थे। शादी होने के बाद मोहन सिंह को एहसास हुआ कि न तो उनके पास पैसे हैं, न नौकरी है और न ही अच्छे दोस्त हैं जो उनकी मदद कर सके। शादी के बाद वे अपने साले के साथ संगरोधा में ही रहने लगे और यहाँ नौकरी की तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वे वापस अपने गांव लौट आए। उस दौरान उनके गांव में प्लेग नाम की महामारी फैल गई थी और कई लोग इसकी चपेट में आ गए थे। इस हालत में उनकी मां ने उन्हें वापस संगरोधा जाकर नौकरी की तलाश करने को कहा। नौकरी न मिलने की वजह से मोहन सिंह तनाव और अवसाद में आ गए थे। एक दिन सुबह अखबार में मोहन सिंह ने सरकारी क्लर्क की वैकेंसी देखी। उन्होंने बिना कुछ ज़्यादा सोचे तैयारी करी और इंटरव्यू देने शिमला चले गए। शिमला जाते वक्त उनकी मां ने उनकी जेब में 25 रुपये रख दिए थे। शिमला में वह एक होटल को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए। उस होटल के मैनेजर से नौकरी के बारे में पूछा तो मैनेजर ने उनसे प्रभावित होकर 40 रुपये की मासिक सैलरी पर रख लिया। ये एक ऐसा मौका था जब उनकी तकदीर बदल रही थी। मोहन सिंह ओबरॉय सिसिल होटल में मैनेजर, क्लर्क, स्टोर कीपर सभी कारोबार खुद ही संभाल लेते थे और अपने प्रयत्नों और कड़ी मेहनत से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमतों को दिल जीत लिया था। ब्रिटिश मैनेजर इंटर्न क्लर्क 6 महीने की छुट्टी पर लंदन चले गए। वह सिसिल होटल का कारोबार मोहन सिंह ओबरॉय के हाथों में सौंप गए। मोहन सिंह ने इस दौरान होटल के ऑक्यूपेंसी को दुगना कर दिया। धीरे धीरे उनकी सैलरी बढ़कर 50 रुपये हो गई और रहने के लिए क्वार्टर भी मिल गया। वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लगे। इसी दौरान मोहन सिंह ओबरॉय और उनकी पत्नी इसरा देवी होटल के लिए मीट और सब्जियाँ खुद खरीदने जाते थे। इस दौरान पंडित मोतीलाल नेहरू सिसिल होटल में आए। उन्होंने टाइप करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी, जिसे मोहन सिंह ने पूरी रात बैठकर कड़ी मेहनत से कम्प्लीट किया और पंडित नेहरू को सौंपा। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें इनाम के रूप में 100 रुपये का नोट दे दिया था। सिसिल होटल एक ब्रिटिश दंपत्ति का था। जब दंपत्ति इंडिया छोड़कर जाने लगी तो उन्होंने मोहन सिंह को 25,000 में होटल बेचने का ऑफर दे दिया। मैनेजर क्लर्क ने सिर्फ 25,000 में उन्हें होटल बेचने का प्रस्ताव रखा तो
तो उन्होंने राष्ट्रीय का प्रबंध करने के लिए कुछ वक्त मांगा। मोहन सिंह के पास इसने पैसे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर ये होटल उन्हें मिल गया तो उनकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। उन्होंने किसी तरह पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए। मोहन सिंह ने राशि जुटाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति तथा पत्नी के जेवरात तक गिरवी रख दिए तथा उन्होंने 5 साल की अवधि में सारी राशि होटल के मालिक को लौटा दी। 14 अगस्त 1974 को शिमला का सिसिल होटल उनका हो गया था। उसके बाद उन्होंने सिसिल होटल से बहुत पैसे कमाए और 1947 में मोहन सिंह ने अपना ओबेरॉय पाम बीच होटल खोला और मर्करी ट्रेवल के नाम से एक ट्रेवल एजेंसी भी खोल दी। 1949 में उन्होंने द ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड के नाम से एक होटल कंपनी खोली। इसके बाद उन्होंने दार्जिलिंग समेत कई पर्यटन स्थलों पर होटल खरीदे। 1966 में उन्होंने बॉम्बे में एक महंगी जगह पर 34 से 36 मंजिल का होटल बनाया जिसकी लागत उस समय 18 करोड़ थी। इसके बाद उन्होंने विदेश में जाकर कई सारे होटल बनाए। धीरे धीरे मोहन सिंह देश के सबसे बड़े होटल उद्योगपति बन गए। ओबेरॉय होटल ग्रुप सबसे बड़ा होटल ग्रुप माना जाता है और इस ग्रुप का टर्नओवर 1500 करोड़ के करीब है। सन 2000 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके होटल दुनिया के सबसे बेस्ट होटल में शुमार किए जाते हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने वाले मोहन सिंह का देहांत 2002 में हो गया था। दोस्तों, आशा करते हैं मोहन सिंह ओबेरॉय के जीवन से आपको इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी। इसी तरह की और इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके और लाइक करके अवश्य बताएं।